देखिए इतना गरीबी है, सिर्फ उसको घर है, इसमें दो गाय भी रखते हैं और इसी में नौ परिवार अपना गुजर करते हैं रहते हैं। बिहार राज्य के दरभंगा जिले के भादुरपुर प्रखंड के कपछाही गांव में यहां का लोगों की जनसंख्या है 1500, जो कि 20 व्यक्ति ऐसे हैं जो कि इनको वृद्धा पेंशन नहीं मिलता है, जो कि हमारे गांव का आबादी लगभग यानी कि 1500 से अभव है, लेकिन अभी तक 20 व्यक्ति ऐसे वृद्ध हैं जिसको अभी तक वृद्धा पेंशन में नाम ने अभी तक जोड़ा गया है। कब से नहीं मिल रहा है? कम से कम 10 वर्ष से नहीं मिल रहा है। रामप्रीत सदा का कहना है कि मेरा तबीयत खराब हर हमेशा रहता है, मुझे टीबी हो चुका है, इसके लिए अगर जो मुझे वृद्धा पेंशन मिलता तो कुछ घर का खर्चा पानी निकल जाता। मर रहा है अभी तक, बुढ़ापा पेंशन नहीं मिल रहा है। कितना दिन से नहीं मिल रहा? कहियो नहीं मिला है, कभी भी नहीं मिला, नहीं मिला है। किसी को बोले कि नहीं, वार्ड मेंबर मुखिया सबको कहा? बोला दिया नहीं। रामप्रीत सदा बीपीएल धारी है, लेकिन इनका 62 वर्ष भी पूरा चुका है, लेकिन बीपीएल धारी होने के बावजूद भी इनका वृद्धा पेंशन नहीं मिलता है। घर का खर्चा कैसे चलता है? अच्छा, समाज से भले चंदा चुटकी में दो के दे आटा तो वह बना के खाई छी। वृद्धा पेंशन नहीं मिलने से क्या परेशानी है आपको? परेशानी है उसे दवा बीरो नहीं पुरता है और रोटी भात नहीं मिलता है, कमाने में नहीं सकता है। जब सरकार वृद्धा पेंशन देते तो उस लेकर दवा बीरो करते गुजर करते। वीडियो देखने वाले श्रोता से मैं अपील करता हूँ कि हमारे पदाधिकारी का मोबाइल नंबर है 9431818206 पर फ़ोन करके और इन पर दबाव बनाएं और मेरी मदद करें। मैं मंगनूराम, दरभंगा जिला, बिहार से, इंडिया अनहट के लिए।